अभी तक हम लोगों ने करीबन 198 लोगों को अभी हमने अस्थायी जेल में निरुद्ध किया है। इसका बेसिक इंटेंशन जो है कि COVID-19 के रोकथाम के लिए हम लोगों ने 144 में काफी बार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे कि हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, मास्क सही ढंग से पहनना होगा, उनके नाक और उनका मुंह ढका होगा, गले में लटका हुआ नहीं रहेगा या उनके जेब में नहीं रहेगा। परंतु हमने देखा कि धीरे हमने जितने भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए अभी भी लोग जो है उसके प्रति सचेत नहीं है, उनको बार बार चेतावनी जारी करने के बाद भी उनके आचार और व्यवहार में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने आज 144 के तहत हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे जितने भी उल्लंघन करता है उन सभी को हम लोग अस्थायी जेल में निरुद्ध करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लाइन है उन उल्लंघनकर्ताओं की जो कि अलग अलग लोकेशन से इनको यहाँ पे लाया गया है। बेसिकली इसके पीछे ये इंटेंशन है, इनके लिए दो पनिशमेंट हैं। पहला पनिशमेंट ये है कि हमारे ये जो NRLM की स्व सहायता नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की जो हमारी NGOs है, स्व सहायता समूह है, वो वहाँ से ये दो मास्क खरीदेंगे और उसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, 10 रुपए है, जो कि इन स्व सहायता समूहों के खाते में जाता है। सेकेंडली ये मास्क जो है वो रीयूजेबल रहेगा, एक दिन वो पहनेंगे दूसरे वाले को धोएंगे, और दूसरा चूंकि ये यहाँ पर 3 घंटे या 4 घंटे निरुद्ध रहेंगे तो ये इनके दिमाग में हमेशा ये फ्लैश करना चाहिए कि अगर हम फिर से ये उल्लंघन करेंगे तो हमारे विरुद्ध फिर से अस्थायी जेल की कार्रवाई रहेगी। ये तब तक रहेगी जब तक कि हमारा जो नंबर्स है वो न्यूनतम की तरफ ना बढ़े। बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, हमें किसी को भी निरुद्ध करने में हमारी कोई इच्छा नहीं है। बेसिकली एक ऐसा अवेयरनेस है, लोगों को एजुकेट करना है कि आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना है और COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम करनी है। थैंक यू।